मैं जानती हूँ कन्हैया, मेरी सासुल जो है ना बड़ी खूंखार है। अगर ये थोड़ी भी गलती बन जाती है तो मेरी सासुलिया बहुत उठावादरी कर देती है। जो मेरी सासुलिया हमको रिसावे, पको देनी है कंगना बोरी मेरी अंगना, तुम ऐसी चले आइयो बोरी मेरी अंगना। जो मेरी तो जानते हो बाके फोर दिए ढकना पूरी मेरी अरविंद कुमार शनाब श्री बलवीर सिंह, इन्होंने प्रभु के चरणों में 51 रुपया का दान किया है। सदा सुखी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखा है भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं को दिखाते हैं, कहने लगे तुम चलो पीछे से, मैं तो आने ही वाला हूँ। ₹101 प्रेम किशोर और ₹101 रूप किशोर, ये दोनों भैया हमारे लिए भेंट कर रहे हैं। और प्रेमपाल सिंह यादव निवास सिरसेला, इन्होंने बड़े भक्ति भावना से ₹101 प्रदान किए हैं। रामवीर ट्रैक्टर वाले, इन्होंने भी अपने करकमलों से ये छोटी सी कन्या भेंट कर गई है मुद्राओं को। सदा सुखी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भैया इधर देखा गया है कि धीरे धीरे जब वक्त बीता, भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम चलो मैं तो पीछे से आ ही जाऊंगा। वहां से देखा है चल देती हैं शीला भाभी, घर पहुंची कन्हैया अपने घर में माखन रोटी खाते हैं। इसके बाद माखन चोरी लीला के बाद कृष्ण भगवान ने और भी आगे लीलाएं दिखाई। एक बार देखा भोजराज कंस बड़ा उदास रहने लगा, तो देव ऋषि नारद जी ने विचार किया काफी दिन हो गए काली दह में कालिया नांग पड़ा है, उसे भी बाहर निकालना है। तो नारद जी चले हैं और मथुरा नगरिया में आकर के पहुंचे। नारद जी को जैसे देखा है भोजराज ने कंस ने, तो आसन दिए डार पास में नारद बैठाई, बोले कौ मुनिवर क्या संदेशा लेकर के आए हो।
नारद जी ने बताया कि मैं तो दुनिया का भला चाहता हूँ, कहीं मेरे हाथों से यानी इतना होने पाए, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं अपनी बातों से समझाने आई। बोले बताओ। अरे तुम कन्हैया को मारने के लिए लाखों उपाय कर चुके हो, एक बात मेरी भी मान लो। काली दह में कमल के पुष्प खिले हैं और नंद बाबा के लिए खत लिख करके भेज दो। नंद बाबा के लिए खत में लिखो कि काली दह के पुष्प मुझे चाहिए, अगर दो दिन के अंदर ना दिए तो पकड़ करके दोनों को नंद बाबा यशोदा को बंद कर देंगे। और जब नंद बाबा यशोदा को बंद कर दोगे तो कन्हैया को मारने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, चाहे जब पकड़ करके उस छोरा को मार देना। जवाब दिया कंस ने, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अब बस मेरे यही बात समझ में आ गई है। कंस ने तुरंत पल की देर नहीं करी, नारद जी तो समझा के चले गए। कंस ने तुरंत खत लिया, जल्दी जल्दी लिखा कि काली दह के पुष्प मुझे दो दिन के अंदर दीजिए, नहीं तो पकड़ करके कारागृह में डाल दूंगा। अब देखा वो पुष्प मंगाने के लिए कंस ने खत लिख करके भेज दिया। इसी के साथ श्री ब्रजेंद्र सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार 101 रुपया भागवत में चढ़ा रहे हैं और 51 रुपया इन्होंने हमारे लिए भेंट किए हैं। सदा सुख शांति प्रदान हो। मैया लक्ष्मी से घरों भंडार भरे रहे और हमारे ब्रजेंद्र भैया की तो बात ही अलग है, निराली है। इधर देखा है मेरे भैया, जैसे खत लिख करके उसने भेजा, मैया यशोदा नंद बाबा को प्राप्त हुआ तो बाबा पढ़ करके घबरा गए, सोचने लगे अरे भगवान ये तो बड़ा गजब हो गया। सौदान सिंह के भतीजे प्रशांत कुमार इसी ग्राम सुजायतपुर के, इन्होंने हमारे गले में ये मुद्राओं का हार भेंट किया है। सदा प्रशांत कुमार यशस्वी रहे। मेरे भैया
इस तरीके से जैसे पत्र पड़ा बाबा के तो होश खराब हो गए। हे भगवान ये क्या हुआ? कन्हैया गैया चरा करके आए, मैया 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 मुझे माखन रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। लेकिन मैया तो आंसू बहा रही है कि कितना बड़ा संकट आने वाला है हमारे ब्रज, हमारे गोकुल गांव में। मैया यशोदा कहने लगी, माखन रोटी तो ले आई उदासीनता से, कन्हैया के आगे रख दिया। बोली लल्ला ये माखन रोटी खा ले, शायद ये आखिरी दिन माखन रोटी खाने का है। ये दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, तेरी मैया बंधी कहीं होगी। ये दूध दही माखन अब खाने को शायद नहीं मिलेगा कन्हैया, ये आखिरी दिन है माखन खाने का। भगवान कन्हैया ने उसी समय मेरे भैया देखा है, मैया से कहने लगे, मैया तू कैसी बातें कर रही है? अरे तूने मुझे बड़ा करके और पालन पोषण किया है, तू नहीं जानती है मैया, तेरे आंखों में ये अश्रु देख करके, तेरे चेहरे पर उदासी देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है कि तूने मैया जन्म दिया और ये बालापन से पाला है। किसी ने आंख दिखाई? नहीं लल्ला। तो मैया तेरे ऊपर कौन सा संकट आया है जो तेरा चेहरा इतना उदास हो गया है? मैया मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है, मैं ये माखन रोटी नहीं खाऊंगा। मैया किसने दई तो गाली बची उसको कौन भयो दुनिया में जिसने दिया एक साला दिया और तू मुझे ही नहीं बता रही है। मैया बोली लल्ला ये तेरे मामा कंस ने एक पत्र भेजा है, जो कि लल्ला जिस दिन से ये पत्र आया तेरी मैया के आंखों में अश्रु बह रहे हैं, अश्रुओं के सिवा कुछ नहीं है लाल। मैया तू चुपचाप हो जा, आंखों से अश्रुओं को बंद कर ले और मैं उस पैरी को देखूंगा कि कौन मुझे सताने वाला है। काली दई के पुष्प मंगाए हैं। कन्हैया कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है मैया, काली दई के पुष्प लाना कोई बड़ी बात है? मैया बोली लल्ला तुझे नहीं पता उसका पानी कितना भी सैला है, जो भी जाता है पंछी भी उड़ करके भाप लग जाती है तो उसकी भाप से पंछी मर जाते हैं, तो उस काली दे में घुस करके कौन कमल के पुष्प लाएगा?
मैया इतनी छोटी बात के लिए तू घबरा मत। तब तक दामा आ गया और कन्हैया से बोले, ए भैया। कन्हैया, हाँ चल आज गेंद का खेल खेलेंगे, मेरी भैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है। गेंद खेलने के लिए दामा मंस का संक्रीट दाऊ कृष्ण दामोदर कई एक ग्वाल चल लेते हैं। आज आगे बढ़ करके जब यमुना जी के तट पर पहुंचे, एक तरफ कन्हैया हो गए, एक तरफ बलराम हो गए। बलराम भैया की पार्टी में दामा था, कन्हैया की पार्टी में मनसुखा था, और भी ग्वाल बट लिए। गेंद का खेल शुरू हो गया। अब तो गेंद का खेल जब शुरू हो गया, कन्हैया ने देखा, अरे मानी ली तू मानी लाला मेरी गाचू मानी ली। अरे मानी ले तो मानी लाला मेरी गाचू मानी ले। गेंदे खेली काली दे पे हृदय भी हो गया, पसीना छूट रहा ये हमारे गले में सुंदर मुद्राओं का माला भेंट किया है, बड़ा छोटा सा बाल गोपाल कन्हैया, डोरी सेठ का बेटा अंश, डोरी सेठ का बेटा अंश है। सेठ जी तुम्हारा लल्ला सदा सुखारी रहे और यशस्वी रहे इस दुनिया में, भगवान से यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखा है मेरे भैया, भगवान कन्हैया जब गेंद का खेल खेलते खेलते काफी देर हो गई, कन्हैया ने देखा कि हमें कई एक काम करने हैं। जैसे गेंद आई, कन्हैया ने एकदम तिरछा हाथ मार दिया, वो गेंद जाकर के काली देह में गिर गई। जब काली देह में वो गेंद गिर गई, अब तो दामा आया और झपट करके कन्हैया की कमर को पकड़ लिया, पीतांबर को पकड़ लिया। बोले कन्हैया, तूने मेरी गेंद काली देह में डाल दी, मेरी मैया ने कितने भाव से गेंद बनाई थी, कितने प्यार से बनाई थी, और मैंने भी सोचा था कि इस गेंद को कभी खोने नहीं दूंगा, और तूने तो आते ही आते मेरे मैया के हाथों की गेंद आज उछाल करके काली देह में गिरा दी, तूने बहुत बुरा किया। कि झट झपट पकड़ ले कृष्ण कमर और बोला मन बहला दो मोहन, जो अपना भला चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन।
मेरी गेंद ला करके अभी दे दो। भगवान कन्हैया बोले, अरे दामा तू बड़ा गुस्से में भर गया,